नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा 10 लाख रुपए अनुदान, छात्रवृत्ति राशि में भी वृद्धि। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों की अनुदान राशि में परिवर्तन किया गया है। बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही पूर्व सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। साथ ही आश्रितों के छात्रवृत्ति धनराशि में भी वृद्धि की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम धामी ने किया केदार घाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण, स्थानीय लोगों से की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अतिवृष्टि से प्रभावित केदार घाटी क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा केदार घाटी में अतिवृष्टि से हुई क्षति, सड़क एवं अन्य मार्गों सहित अन्य नुकसान की समीक्षा एवं पुनर्निर्माण कार्य की समीक्षा भी की। इसी के साथ ही सीएम ने प्रभावित व्यक्तियों से भी बातचीत की। उधर सीएम धामी ने की घोषणा, दोगुना होगा पत्रकार कल्याण कोष का फंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को घोषणा की है कि पत्रकार कल्याण कोष का कॉर्पस फंड 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। पत्रकारों का ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारी को परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर आ रही है कि उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने किया है अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते 3 दिनों से वर्षा सामान्य से कम हो रही थी, अब एक बार फिर मौसम के तेवर बदल सकते हैं। बागेश्वर व चमोली जिले के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इधर पिथौरगढ़ पहुंचे ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता, अधिकारियों के अवकाश पर लगाई रोक। अधिकारी मॉनसून काल में अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अवकाश नहीं लेंगे। ये बातें ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता नवीन सिंह ने सोमवार को पिथौरगढ़ और धारचूला डिवीजन के अधिकारियों की बैठक में कही। उन्होंने कहा बकाया वसूली के लिए पूरे वर्ष प्रयास जारी रखे जाएं। बकायेदारों को नोटिस प्रेषित करने और बकायेदारों के संयोजन विच्छेद करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।